Students will explore the pre-operational stage of intellectual development according to Piaget. So, pre-operational stage it starts from two to seven years, and uh, it begins at the age of two and end at the uh, age of seven. And this is the primary time. Basically, these years are the center stage of early uh, childhood of uh, education. And at this stage, children learn. मोस्ट ऑफ द स्टेजेस एंड उनकी जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो इस वक्त तेज़ी से uh, हो रही होती हैं इसमें हम देखते हैं कि uh, जो बच्चे हैं वो uh, सोचना शुरू कर देते हैं द चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक सिस्टमेटिकली एक उनके अंदर एक रैंडम अप्रोच uh, नहीं होती वो थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आना शुरू कर देते हैं और वर्ड्स और पिक्चर्स को देख रहे होते हैं फिर जिसको जो आ, कोई तस्वीर दिखाई जाए तो वो जो बच्चे हैं उसको उस तस्वीर तस्वीर को एक लफ्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं और इट मीन्स के वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेम एट द दिस स्टेज द चिल्ड्रन टेंड टू बी एगो हम इसको भी आगे देखेंगे कि वो थोड़े अपने अंदर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं अपने आप में बिज़ी रहते हैं वो दूसरों से थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो चीज़ों को अपने व्यू पॉइंट से देखें और अपने आ, दूसरों का जो नज़रिया है उसे वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते आ, हम देखते हैं कि दे आर जस्ट गेटिंग बेटर विद द लैंग्वेज उनकी बड़ी अच्छी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है वो अपने टू सेंटेंसेस तक बोलना सीख लेते हैं एट द एज ऑफ टू एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब वो बच्चा दो साल का है तो उसकी इंडिकेशन है कि उसकी डेवलपमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग uh, डिवेलपमेंट um, हो रही है कि वो दो जो जुमले हैं मुझे पानी पीना है या मैंने पानी पीना है वो एक कम्प्लीट सेंटेंस दूसरे को डिस्क्राइब कर uh, कर सकता है सो so, वो चीज़ों को बड़ी कॉन्क्रीट uh, वे में सोचना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन भी इस वक्त कंप्लीट हो रही है और इनकी मेमोरी जो स्टोरेज है वो भी साथ साथ फुल होती चली जा रही है जितने वो इंटरेक्टिव इन्वामेंट के साथ चल रहे होते हैं सो द फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट जस्ट लेड बिटवीन दीज टू दीज इयर्स एंड दे जस्ट डिड एवरीथिंग थिंग इन इमरजेंस ऑफ लैंगवेज सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एज जो है इसमें आप डिफरेंट मटेरियल उसे इंट्रोड्यूस करवाएं, उसे अगर बुक्स दे रहे हैं तो बच्चे जो है वहाँ से भी पिक करते हैं कोऑर्डिनेशन तो कर रहे हैं उस पिक्चर को तस्वीर के साथ और अल्फाज के साथ जोड़ते हुए एक सिचुएशन भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं सो so ये जो आ, आ, स्टेज है हम देखते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज एक हॉलमार्क बन के हमारे सामने आता है कि जहाँ पे बच्चे को हमने एक बेस्ट इन्वामेंट देनी है ताकि वो एक जो बच्चे हैं वो बेहतरीन अंदाज से सीख सकें हमने प्ले की मैं बार बार आपसे बात कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्रिटेंड प्ले के थ्रू ज़रूर काम कर रहे होते हैं आप देखें कि बच्चे को मगर हम देखें वो कभी मदर बन की फॉर्म में आएगा कभी उसको लगेगा कि आई एम अ फादर सो मैं बड़ा हूँ मैं घर पे, सो so बाकी छोटे बच्चे हैं वो उस तरीके से ना प्रिटेंड प्ले जिसे कहते हैं कि सिंबॉलिकली वो समझता है कि मैं डॉक्टर के पास गया था तो मुझे मुझे डॉक्टर का रोल प्ले करना है शूज़ पहनने की कोशिश करता है बच्चा बड़े शूज़ पहन के कि मैं बड़ा हो गया हूँ सो so, इस किस्म के जो सारी लॉजिक के साथ वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है दुनिया की और जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं सो दे ऑल्सो ऑफन स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखें कि उसका एक कॉन्टीन्यूटी है एक तसलसल है और वो उसकी थिंकिंग जो है उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन भी है और कॉन्टीन्यूटी भी नज़र आनी शुरू हो जाती है